सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, कुछ लोगों के कमेंट आए हैं। एक वीडियो बनाया गया था, अज्ञानता छिपाने को नास्तिक या संशयवादी कहते हैं स्वयं को, उस विषय पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो उसका जवाब मैं एक वीडियो बना करके ही दे रहा हूं। और कमेंट यह किया है कि आप उन लोगों से डिबेट क्यों नहीं करते हैं जो नास्तिक या संशयवादी हैं। हमारे देश में पाखंडवाद ज्यादा है, ये मंगल बोईपाई लिख रहे हैं, इसलिए यहां कोई आविष्कार नहीं हुआ। धर्म के ठेकेदार लोगों को धार्मिक कर्मकांड में ही उलझा के रखते हैं, जिसके कारण कोई साइंटिफिक तरीके से बात को नहीं समझ सकते। अब ये एक और हैं राज सिंह, तो ये लिखते हैं, तुम्हें रैशनल वर्ल्ड चैनल पर आकर उन्हें गलत सिद्ध करना चाहिए, वहां आपको भगवान का दर्शन करा देंगे। फिर एक लिखते हैं ब्लू पैंथर, बहाव के विपरीत चलने में साहस चाहिए, बहाव के साथ तो मुर्दा भी तैर लेगा। अगर कहीं कोई परम शक्ति है भी तो इतनी तार्किक तो होगी जो मेरा आकलन मेरे कर्मों से करेगी, ना कि चापलूसी से। इसलिए धर्म अध्यात्म इसी संकीर्णता से विज्ञान कहीं मंदार है, जो प्रश्न उठाने वाले पर खुश होता है। धर्म और अध्यात्मिकता सिवाय कुछ मकानों का भ्रमजाल है। तो इनका एक एक स्टेटमेंट का हम देखते हैं। पहली बात है कि ये कहते हैं कि आप उन लोगों से डिबेट क्यों नहीं करते हैं। जो मेरे से जिज्ञासा करता है मैं उसका समाधान करता हूँ, और जिनको भी उस विषय में कुछ चर्चा करनी है, सार्थक चर्चा करनी है, तो वे हमारे यहाँ आश्रम पर आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और जिसको गरज होती है वही कहीं जाता है। अब मुझे कहीं गरज होगी तो मैं भी जाऊँगा, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई अभी महसूस हुआ नहीं है। अगर कभी कोई गरज होगी तो जाऊँगा। और इनके पास, नास्तिकों के पास और संशयवादियों के पास, वे तो खुद संशयवादी हैं, खुद संशय में, उनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज़ तो है नहीं। नास्तिक हैं वे, खुद अज्ञानी हैं, उनके पास कौन सा ज्ञान है। बाकी जो कुछ भी विज्ञान ने हासिल किया है, विज्ञान का समर्थक तो मैं भी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा समर्थक हूँ, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान ही है। तो वैज्ञानिक सब जो खोज करते हैं, श्रेष्ठ वैज्ञानिक, तो उसका अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना और उसके विषय में जानना, या तो हमारा एक तरह से पैशन है। तो इसके लिए मुझे वैज्ञानिकों का थ्योरी पढ़ना है, न कि ऐसे जो इधर उधर घूम फिर करके जो खुद ही कुछ नहीं जानते फिरते हैं विज्ञान के विषय में, भी क्या बताएंगे सिखाएंगे। तो वैज्ञानिकों का जो थ्योरी है उसका अध्ययन करेंगे। हमें धर्म के विषय में जानना है तो हमारे ऋषियों ने क्या किया है हम उसका अध्ययन करेंगे। विज्ञान के विषय में जानना है तो वैज्ञानिकों का अध्ययन करेंगे, उनके थ्योरी का अध्ययन करेंगे, न कि ऐसे जो इधर उधर जिनको कुछ खुद ही विज्ञान के विषय में पता है उनसे क्या करना बहस। और अगर उनको ही बहस करने की ज़रूरत है तो वे आ सकते हैं हमारे पास, और जो अगर ऐसा सोचते हैं तो आयोजन भी कराया जा सकता है, बड़े स्तर पर आए, खर्चा हम उठाएंगे। विशेष अगर कोई ऐसा महानुभाव कोई विशेष है उस स्तर का, भारत के स्तर का, जिसके ऊपर जो आप लोगों के आदर्श पुरुष हों, आदर्श व्यक्ति हों, तो वो सार्वजनिक रूप से आए, मुंह छिपा के रहने की क्या जरूरत है। सार्वजनिक रूप से आए, चर्चा करें, मंच पर करें, हजारों की भीड़ होगी,
वहां समझ में आएगा कि कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है, कितना ही विज्ञान है। तो ऐसे लोगों के पास तो विज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि वास्तव में जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वे कभी भी धर्म के विरुद्ध में नहीं बोलते। वे धर्म के नाम पर चल रहे ढोंग के विरुद्ध में तो अवश्य बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन धर्म के विरुद्ध में नहीं बोल सकते, क्योंकि धर्म बिल्कुल साइंटिफिक है। सनातन धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम और ईसाइयत जैसे और ये बौद्ध जैसे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सनातन धर्म में कोई गलती निकाल के दिखाए, यहाँ पे जो कमेंट करने वाले लोग हैं इनको तो धर्म में जो गलतियाँ थी उसको निकाल के दिखाना चाहिए था ना, कमेंट करते समय आप बताएं कि ये जो है ये गलती है। तो गलती तो एक भी नहीं लिखी, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे देश में पाखंडवाद ज्यादा है इसलिए यहाँ कोई आविष्कार नहीं हुआ। इसका मतलब इनको विज्ञान का भी पता नहीं है। भारत के वैज्ञानिकों ने क्या क्या आविष्कार किए इसका इनको भी ज्ञान है नहीं। ये सोचते हैं कि भारत ने आज तक कोई आविष्कार ही नहीं किया, तो ये तो इन लोग के ज्ञान का स्तर है। जब चंद्रयान भेजा गया था तो उस वक्त जो इसरो के जो साइंटिस्ट थे वो जो है मंदिर पर गए थे, तो वहाँ इन लोग को बहुत चिढ़ लगी कि क्यों गए। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख लें जाके चंद्रयान के ऊपर। वेद में जो विज्ञान क्या है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो भाई इसरो के जो डायरेक्टर हैं उससे बड़े साइंटिस्ट तो है नहीं आप। तो जब वे खुद समर्थन कर रहे हैं कि वेद में इतना विज्ञान है, हाँ यह सही बात है कि हम लोग का विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ा है, ठीक है, लेकिन कई हजारों हजारों वर्ष पहले के जो शास्त्र हैं उसमें आज तक कोई दोष नहीं निकाल पाया, तो उसको क्रेडिट तो देनी होगी। प्राइमरी लेवल का जो बेसिक है, साइंस का जो बेस है, वह तो वेद ने दिया ही है, तो उसमें तो कोई त्रुटि है नहीं वेद में, और है तो फिर आप बताएं त्रुटि कि कौन से मंत्र में कौन सी त्रुटि है, तब तो कोई बात होगी। अब कहते हैं कि धर्म के ठेकेदार, अब इनको ये पता नहीं, ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है यहाँ कोई आविष्कार ही नहीं हुआ। बताइए, कैलकुलस तो यहीं की देन मानी जाती है, शून्य के यहीं की देन मानी जाती है, मैथमेटिक्स का बहुत सारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं का है, इनको पता ही नहीं है खुद ही कि क्या देन है। भारत का आयुर्वेद में क्या देन है, स्वास्थ्य में क्या देन है इनको पता ही नहीं है, संगीत में क्या देन है इनको पता ही नहीं है। स्वास्थ्य में चरक और सुश्रुत का इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो वो भारत की तो देन है। सर्जरी भारत की तो देन है। तो अब यहाँ मैं कभी इस पर वीडियो बनाता रहता हूँ और अभी वीडियो आगे बनते भी रहेंगे। तो वेद में क्या क्या विज्ञान था, सनातन धर्म का क्या क्या योगदान है विज्ञान में, इसके ऊपर भी धीरे धीरे वीडियो क्रमशः आते रहेंगे, आप देखा करें, पता चलता रहेगा। गीता पढ़ें, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, पता चलेगा कि क्या क्या देन है। परमाणु का सिद्धांत जो है भारत ने पहले दिया है, ऋषि कन्नाद ने दिया है, तो परमाणु के विषय में भारत ने दिया है, तो कैसे देन नहीं है। चक्का भारत में बनाया गया है, चक्र जो है वो भी भारत में बना है, तो भारत की एक दो दिन नहीं है, कितने ही देन है। वायुयान भारत में, वायुयान का पूरा सिस्टम ही है। वायुयान के पीछे में जब चंद्रयान का जो हमारा वीडियोस में जाके देखें, कैसे वेद में वायुयान का हर चीज़ बताया गया है, यहाँ तक कि उसमें कौन कौन से फ्यूल यूज होता था, कितने चैम्बर्स होते थे, ये सब का वर्णन है। तो पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। कह रहे हैं कोई आविष्कार ही नहीं किया। अच्छा,
अब ये इन्होंने पता नहीं कौन सा आविष्कार कर दिया है, अब ये जो धर्म नहीं मान रहे हैं ये लोग कितने साइंटिफिक है कि उनको भारत का साइंस का हिस्ट्री नहीं पता। साइंस की हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए, और इनकी अपनी क्या देन है साइंस में, जिसके कारण लोग साइंटिफिक तरीके से बात को नहीं समझ सकते। अरे भाई, तो आप कौन साइंटिफिक तरीके से बात समझ रहे हैं? आप तो स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं, स्वयं साइंस का बोध नहीं है। अब जिसको भी लगता है कि वो जो है जो नास्तिकता को सही ठहराना चाहते हैं या संशयवाद को सही ठहराना चाहते हैं, संशयवादी था सही क्या ठहराएंगे, उनको तो खुद ही कन्फ्यूज्ड है, वे तो स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग कन्फ्यूज्ड हैं। तो जो नास्तिक हैं वे आकर के चर्चा करें, बहुत सारे चैनल हैं जो यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल हैं जो इस पर चर्चा करते हैं, जैसे सनातन समीक्षा चैनल है, विज्ञान दर्शन चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं जो इस तरह का काम करते हैं, तो जाकर के वहाँ चर्चा करें। अगर आपको बहुत लगता है कि नहीं वो चैनल पर ही चर्चा, तो उधर बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं इस काम को, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। और अगर मेरे से ही अगर कोई बात करनी है तो स्वागत है, हमारे यहाँ आए, आश्रम पर आए, यहाँ खाना पीना भी मिलेगा, सोने रहने को भी मिलेगा, और उसके बाद चर्चा होगी, सबके बीच होगी, साक्षात होगी, बिना किसी भेदभाव के होगी, पूरा मौका मिलेगा। मैं तो यहाँ करता ही रहता हूँ, यहाँ तो उन्हीं लोगों से तो पाला ही पड़ता है। अब इसके बाद ये जो है ये लिख रहे हैं, ब्लू पैंथर जो है, जो मैंने बताया, बहाव के विपरीत चलने में साहस चाहिए, बहाव के साथ तो मुर्दा भी तैर लेगा। तो ये बहाव के विपरीत चल रहे हैं, यानी ये धर्म विरोधी है, तो ये सोचते हैं कि हम अच्छा है। ये पूरा जो बहाव और बहाव के विपरीत है ना, ये सारा जो है एक धर्म के तहत चल रहा है, इनको ये पता ही नहीं है। ये पृथ्वी भी एक धर्म के तहत चल रही है, सूर्य का भी धर्म है, एटम का भी धर्म है, क्वार्क का भी धर्म है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका धर्म है, सबके अपना गुण स्वभाव है, उसके अनुसार से ही वे चल रहे हैं। चाहे कोई धारा के विपरीत चलता है, चाहे कोई धारा के साथ चलता है, लेकिन सारे सब चलते हैं धर्म के साथ ही, चलने के लिए मजबूर हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसकी उत्पत्ति जो है ये धर्म के अनुसार ही है, और उत्पत्ति और विलय प्रसार सब धर्म सम्मत ही है। और कोई जिंदा है या मुर्दा है वो सब धर्म सम्मत है, हर अवस्था ही धर्म सम्मत है। तो आपकी नास्तिकता भी धर्म सम्मत ही है, आप यह मत समझें कि आपकी नास्तिकता धर्म सम्मत नहीं है, वह भी है। जो धर्म विरोधी हैं वे भी वास्तव में एक धर्म का ही अनुपालन कर रहे हैं, अभी वह एक सीढ़ी पर हैं, एक स्टेज पर हैं, अभी वे जिज्ञासा कर रहे हैं, और बस उनका दोष क्या है, वो सोच रहे हैं कि बस इतना ही है, ये इतनी ही सीढ़ी है, यानी जानते हैं कि इसके बाद भी और है, ज्ञान के बाद भी और ज्ञान है। संशय आत्मा होना बुरा नहीं है, लेकिन यह सोच लेना कि संशय आत्मा ही लास्ट सीढ़ी है, यह बुरा है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग ठहरता नहीं है, कहीं फाइनल नहीं हो रहा है। यह फाइनल तब तक नहीं होगा जब तक इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा, अरे इन्फिनिटी तक पहुंचना ही धर्म है, और विज्ञान भी इन्फिनिटी से आगे आज तक नहीं जा पाया, न धर्म जा पाया, क्योंकि इन्फिनिटी ही सच्चाई है। अगर कोई परम शक्ति है भी तो इतनी तार्किक तो होगी जो मेरा आकलन मेरे कर्मों से करेगी, ना कि चापलूसी से। तो ये सोचते हैं कि धर्म जो है चापलूसी है। धर्म किसको कहा जाता है? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम वाक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का दमन, चोरी नहीं करना, साफ सुथरा रहना अंदर से बाहर से, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना,
क्रोध नहीं करना और अपने भावनाओं पर काबू रखना, ये सब जो है यही धर्म के लक्षण बताए गए, ये धर्म है, इसमें चापलूसी कहाँ है भाई। तो धर्म की परिभाषा भी नहीं मालूम है ऐसों को, और कहते हैं कि डिबेट करें पहले धर्म की परिभाषा तो सीख लें फिर डिबेट करना। अध्यात्म जैसी संकीर्णता से विज्ञान कहीं ईमानदार है, अध्यात्म को यह संकीर्णता मान रहे हैं। अभी तक आध्यात्मिक हुए नहीं, अध्यात्म क्या है इसकी परिभाषा नहीं जानते, और न कभी कोई तप किया, लेकिन बिना तप किए हुए बिना प्रयोग किए हुए यह कह दिया है विज्ञान ईमानदार है। अरे जब तुम इतने विज्ञान हो तो कम से कम विज्ञान का यह चीज तो जानो कि वैज्ञानिक जो भी कहते हैं वो प्रयोग करके करते हैं। आपने धर्म में कौन सा प्रयोग किया, अध्यात्म में कौन सा प्रयोग किया? जब प्रयोग नहीं किया तो खुद ही अवैज्ञानिक सिद्ध हो गए, तो खुद ही बेईमान सिद्ध हो गए। विज्ञान कहीं ईमानदार है जो प्रश्न उठाने वाले पर खुश होता है, तो धर्म कभी भी प्रश्न उठाने वाले पर नाराज नहीं होता है। ये गलतफहमी है आपको कि धर्म प्रश्न उठाने वाले पर नाराज होता है, धर्म भी प्रश्न उठाने वाले पर खुश होता है। सारा शास्त्र जो है ना वो प्रश्न और उत्तर के ही सापेक्ष में है, पूरा का पूरा वही प्रकरण ही है। आप चाहे कोई भी उठा लें उपनिषद, सभी में प्रश्न और उत्तर के ही है। पुराण उठा लें प्रश्न उत्तर ही है, तो प्रश्न उत्तर का ही यहां पर कहा गया है। और यहां यह नहीं कहा गया है कि जो मैं कह रहा हूं उसको मान लो, बल्कि कहा गया है तर्क करो, प्रश्न करो, उठाओ। यहां तो प्रश्न को प्रमोट किया गया है, ये कोई बाइबल और कुरान नहीं है यहां सनातन धर्म, जहां की कहा जाते हैं मानो मानो, यहां मानने के लिए नहीं कहा गया सनातन धर्म में। यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है। और यहां ये जो धर्म की बात करते हैं तो ये लगता है कि ये प्रश्न उत्तर वाले नहीं है, ये वही वाले हैं। प्रश्न उत्तर वाले होते तो इनको समझ में आता, कभी शास्त्र पढ़े तो देखें कि कैसे वहां प्रश्न उत्तर किया जा रहा है, और मानने के लिए कभी नहीं किया जा रहा है। सदैव कहा जा रहा है अपने बुद्धि के कसौटी पर, विवेक पर कसो, अपने प्रयोग की कसौटी पर कसो, ये धर्म कह रहा है, ये सनातन धर्म का धर्म कह रहा है। तो ये कह रहे हैं धर्म धर्म और आध्यात्मिकता सिवाय मकारों का भ्रम जाल के कुछ नहीं है। इसके कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है भैया, धर्म और आध्यात्मिकता को छोड़ करके बाकी लोग हैं ना ये मक्कर जाल वाले हैं, ये सब मक्कर हैं, ये सब मक्कार हैं, क्योंकि इनके पास न नैतिकता का बल होता है, न ज्ञान का बल होता है, और न ही इनके पास दया करुणा नाम की कोई चीज होगी, न ही ये दान पुण्य करेंगे, न ही जो है ये सत्य निष्ठ होते हैं, प्रोपागेंडिस्ट होते हैं, बस ये सिर्फ प्रोपागेंडा करते हैं। सत्य और प्रोपागेंडा में इनको अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। प्रोपागेंडा क्या है? वास्तव में झूठ है, सिर्फ झूठ, झूठ को फैलाना परोसना यह होता है। और जिसको ये सोच रहे हैं कि जिसको ये धर्म मान रहे हैं, तो वह जो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर धोखा दे रहे हैं, वे इनको लगता है कि वे धार्मिक हैं और उसके आधार पर ये धर्म को आकलन कर रहे हैं। अरे भैया वे लोग जो हैं वे आप ही के ब्रांड के हैं, बस अंतर यह है कि उन्होंने धर्म का एक आर्ट ले रखा है, जैसे रावण ले रखा था। तो धर्म की आड़ में वे जो है धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं, और ये खुलेआम जो है धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों एक ही पेडेस्टल पर हैं, अलग स्तर पर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। हरिओम। और अपने मन बुद्धि को ठीक कीजिए, और पहले अच्छा से अध्ययन कीजिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। धर्म और विज्ञान का जब पूरा अध्ययन हो जाए और जब पूरे प्रयोग कर लें ढंग से, तब जा करके कमेंट करेंगे तो शोभा देगा, अन्यथा शोभा नहीं देगा, और अपने भी भ्रमित रहेंगे जीवन भर और दूसरे को भी भ्रम में रखेंगे। एक दो चैनल में और पटांग बातें करने वाले बहुत लोग हैं जिनको खुद कुछ आता जाता नहीं है और इधर उधर की बातें फैलाते रहते हैं।
क्योंकि ये उनका उद्देश्य कुछ दूसरा होता है, प्रोपेगेंडा करना, किसी से पैसे मिल रहे हैं उसके आधार पर वे इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन जब सामने में मंच पर आएंगे कभी तो उसमें पता चलेगा, एक से एक विद्वान लोग हैं हमारे देश में, कभी जा करके उनसे बहस करें। अब जिन वे लोग उससे बहस करते हैं जिनको खुद ही कुछ आता जाता नहीं है, तो उनसे बहस करते हैं और रह रह करके कहीं पर उनको बोलने भी नहीं देना, ब्लॉक कर देना, उनसे बातचीत भी नहीं, ठीक, उनको अपना पक्ष नहीं रखने देना, अपने उल जुलूल बातों को भी कहना, जबरदस्ती कहना कि हाँ यही ठीक है यही ठीक है। इस तरह से थोड़ी दुनिया चल रही है। तो मैं यही कहूंगा कि अपना जो है अध्ययन, ज्ञान, विज्ञान, प्रयोग, तप, सभी सबको बढ़ाएं, और उसके बाद फिर जो है फिर कोई कमेंट करे तो वो टिकाऊ होगा, उसमें एक दम होगा। अभी तक तो इतने इतने नास्तिक हुए, बड़े से बड़े नास्तिक हुए, ये सब क्या छोटे मोटे हैं, कार्ल मार्क्स वगैरह जितने ये सब हुए बड़े बड़े, इन सब का तो खंडन कर दिया गया। जितने भी बड़े बड़े नास्तिक हुए सभी का खंडन कर दिया गया है, कोई आज तक धर्म को डिगा नहीं पाया, क्योंकि धर्म की वास्तविक जो बुनियाद है ना वो सत्य पर आधारित है, वो विज्ञान पर आधारित है, और विज्ञान से भी उच्च स्तर पर वो परम ज्ञान पर आधारित है। तो इसलिए उसका खंडन कोई कर नहीं सकता, और अगर लगता है कि कर सकते हैं तो फिर बहुत सारे वेद के मंत्र हैं, उपनिषदों के हैं, तो उसके प्रचार, उसका खंडन करके दिखाएं, सिद्ध करें, और सिद्ध करना पड़ेगा तो विज्ञान का सहारा से ही सिद्ध करना पड़ेगा। और जो सनातन धर्मी है वे कभी तर्क से नहीं भागते, वे तर्क से सबको भगा देते हैं। आपके बड़े बड़े जो वैज्ञानिक रहे हैं, जो नोबल पुरस्कार विजेता, जो कि विज्ञान में एक मापदंड है होते हैं, वैसे वैज्ञानिक जो है वह उपनिषदों से और वेदों से और गीता से प्रेरणा लेते हैं। जैसे रोजर पेनरोज, जैसे हाइजनवेयर, जैसे श्रोडिंगर, इस तरह के जो वैज्ञानिक रहे हैं, नील बोर, तो उन लोगों ने तारीफ की है। तो ऐसे छुटभइयों से जो है उसको किसी को प्रेरणा लेने की कौन जरूरत है। तो जो बड़े वैज्ञानिक हैं वे, जब यहां तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी तारीफ करते थे, तो जो स्तरीय वैज्ञानिक रहे हैं उनको देखें, और अगर आप पाएंगे, अगर देखेंगे तो उनको पाएंगे, अगर उनका प्रतिशत भी निकालेंगे तो पाएंगे कि वैज्ञानिकों में भी अधिकतम वे लोग हैं जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। और ध्यान, ध्यान, योग और ध्यान, ये तो विज्ञान सम्मत सिद्ध हो चुका है। योग के द्वारा कितने का उपचार करते हैं, मैं स्वयं उपचार करता हूँ, अब तक मैंने हजारों मरीजों का उपचार खुद किया हुआ है। तो यह कहना कि ये जो है विज्ञान सम्मत नहीं, अरे भाई विज्ञान सम्मत है, पूरा आयुर्वेद, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा सब विज्ञान सम्मत है, ध्यान विज्ञान सम्मत है, ध्यान से क्या क्या फायदे होते हैं सबको पता है, सत्य बोलना, न्याय करना, क्या ये फायदे नहीं है? क्या ये विज्ञान सम्मत नहीं है? अवैज्ञानिक चीजें हैं, धर्म में यही सब तो है। तो धर्म के विरुद्ध में, बिना धर्म को जाने धर्म के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं खंभा गाड़ करके बिना जाने हुए, और कह रहे हैं कि हम साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक थोड़ी हो जाते हैं, कौन सा आविष्कार किया है आपने कि वैज्ञानिक हो गए? समाज के लिए आपका कौन सा योगदान है? तो इसलिए आरोप इसी तरह से नहीं उठाना चाहिए। वैज्ञानिकों का भी रिसर्च पढ़ें,
और वैज्ञानिकों का उस विषय में भी रिसर्च पढ़ें कि वे उन्होंने क्या कहा है। उपनिषदों के ऊपर वैज्ञानिकों ने कहा क्या कहा है, गीता पर क्या कहा है, वेद पर क्या कहा है, इस चीज का अनुसंधान करें तो आपको समझ में आ जाएगा। योग पर क्या कहा है, मेडिटेशन पर क्या कहा है, तो ये सब सब जो है सिद्ध है। तो जो सिद्ध हो जाता है तो उसके ऊपर भी जब आप उंगली उठाएंगे तो वास्तव में उंगली आपके ऊपर भी उठेगी, आप ही को मंद बुद्धि माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। हरिओम।